हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश का कहर जारी है। रविवार देर रात हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने के कारण एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। राज्य में अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। किन्नौर जिले में बादल फटने से तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। राजघाट बांध के 8 और माटी ताला बांध के 20 गेट खोलने पड़े हैं। इसके चलते बेतवा नदी उफान पर आ गई है। नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। यह नर्मदा नदी उफान पर है। कोलार बरगी सतपुड़ा समेत कई डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार यानी कि आज 29 जुलाई को 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधानी बरतें और आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।